हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटिया ऑचेस पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी की डिमांड थी कि भैया हमें आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के टाइम पे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दीजिए, क्योंकि आपने बतेरे यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली होंगी, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो अब आपको चिंता करने की नहीं है, क्योंकि हमारी फाइनली वीडियो डॉक्यूमेंट्स पर आने वाली है, क्योंकि मैंने काउंसलिंग की हुई है। तो आपको मैं वो फ़ोटो भी दिखाऊँगा अपने डॉक्यूमेंट्स के, कि ये सारे बॉन्ड क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना, एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसलिए मैं ये व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैंने शुरू यहीं से किया था अपना चैनल, है ना। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड था, ये भी नहीं था, ये मैंने लगभग आप हमारे सब्सक्राइबर होने के बाद लिया था, जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तब, है ना। तो मुझे इस पर जब भी मैं काम करता हूँ तो एक अपना हैप्पीनेस भी आती है, कि एक आपको मोटिवेशन भी मिल रहा है इस वीडियो से, कि आप भी कुछ लाइफ में ऐसा करो जो आप दूसरों की मदद कर सको। चलिए, तो ये थोड़ा था। अब बाकी हम डॉक्यूमेंट्स की एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करना, वीडियो बड़ा ही थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं गारंटी देख रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ना तो कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स से लेकर इश्यू आने वाला है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आवश्यकता होती है, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अलावा किसी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ बताऊँगा, कितना खर्चा आता है, कैसे बनता है, कब कौन सा बनवाना है, क्योंकि अब आपकी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कम्प्लीट हो गई है 2 अक्टूबर को। तो अब आपका काम रहेगा इस पे डॉक्यूमेंट्स बनवाना और रिपोर्टिंग कैसे करानी, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही आज हम यहाँ तक, और आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का। चलिए, तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है बच्चों, है ना। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका फीस या डीडी डिमांड ड्राफ्ट। आप फीस किसी, ये जो फीस है आप किसी भी अकाउंट से बनवा सकते हो, किसी के भी बैंक अकाउंट से बनवा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका अकाउंट होना ज़रूरी हो, है ना। ये फीस आपको मैंने बता दिया है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग होती है, और सॉरी यहाँ पे मीनिंग स्पेलिंग गलत है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। ये आपको रिपोर्टिंग के टाइम में डीडी बनवा के ले जानी होती है। गवर्नमेंट में कॉलेजों में सभी में डीडी चलती है, और कुछ प्राइवेट कॉलेजों में कैश भी लेते हैं, पर आप कैश मत देना, आप डीडी के रूप में देना, क्योंकि जैसे ही आप सेकंड काउंसलिंग के लिए जाओगे तब ये डीडी आपको रिफंड की जाएगी या फिर ट्रांसफ़र की जाती है। डीडी आप किसी के भी बैंक अकाउंट से बनवा सकते हो, क्योंकि डीडी पे एक नंबर आता है जो आपका लिखा जाएगा जब आप रिपोर्टिंग के टाइम में आओगे, है ना। तो अब कोई भी यूट्यूबर आपसे बोले कि डीडी के लिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी, तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बैंक अकाउंट आपका होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चलो, उसके बाद सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जब जारी होता है, जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, उन्हीं स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट लेटर आता है, तो उस अलॉटमेंट लेटर आपके पास होगा, है ना। तो वो अलॉटमेंट लेटर भी आवश्यकता होती है। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ बच्चों, इनके आपको 3 या 4 सेट फोटोकॉपी के रखने हैं अपने पास। ओरिजिनल के साथ आपको 3 या 4 सेट फोटोकॉपी, एक आपको फाइल लेनी पड़ेगी, उस फाइल में सभी डॉक्यूमेंट्स इसी ऑर्डर में लगा के ले जाने हैं आपको, जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ। इससे पहले आपको एक परफॉर्मा मिलेगा जो आपको कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, वो परफॉर्मा में आपको लास्ट में सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो दिखाऊंगा, तो उस टाइम उसकी फ़ोटो भी लगा दूंगा। वो परफॉर्मा आपको उस कॉलेज को की तरफ से मिलेगा, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उसके साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं उसमें, और उसी के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। अलॉटमेंट लेटर के पास आपको जो थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट्स है, ये हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म एडमिशन। एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में भरे हुए फॉर्म की हार्ड कॉपी। जब आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था, तब कंप्यूटर वाले भैया से या ई मित्र वाले भैया से अपना जो फॉर्म भरवाया था ना, वो फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको ले जानी है। 3 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए, ध्यान से सुनना एक एक चीज़, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कुछ भी ले जा सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है बच्चों आधार कार्ड, है ना। आधार कार्ड लेके जाना है, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर आधार कार्ड नहीं है तब, है ना, फिर आपका पहचान पत्र अगर नहीं है, वोटर आईडी कार्ड जो आपको मिलता है ना। चलो, इनमें से आपको आधार कार्ड लेके जाना है, है ना। तो फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट में ये लेके जाना है। चलो, इसके बाद आपको ले जानी है बच्चों 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की ओरिजिनल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने, साथ ही इनकी 3 से 4 सेट फोटोकॉपी जरूर लेके जानी है साथ में। सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, है ना, आपके फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग के टाइम पे। मार्कशीट के साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको 12th की मार्कशीट के साथ ही मिलता है। अगर जिनका खो गया या नहीं है, वो या तो डुप्लीकेट बनवा लें,
या फिर आप जहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हैं वो करवाएं। साथ ही आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं ना राजस्थान बोर्ड के, उनमें ये करेक्टर सर्टिफिकेट साथ ही मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ट्वेल्थ के साथ ही मिलता है, बाकी CBSE और ICSE स्कूल जैसे बोर्ड्स के स्टूडेंट को अलग से मिलता है ये सारी चीज़। चलो है ना, ये आपके 6 डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, इसमें आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग टोटल 6 मत, ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट जो मैंने 6 में समराइज कर रखे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जाति और मूल निवास। जाति और मूल निवास पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया भी है बच्चों कि आपको कितना ओल्ड होना चाहिए कब, ये चीज़ मैं आपको एक महीने पहले ही बता चुका था। तो आई होप ये आपने अच्छे से बनवा लिए होंगे। आपके डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट्स विकलांगता, जो भी स्टूडेंट्स विकलांग स्टूडेंट्स हैं उनकी 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट है, और ये जो सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है जब RUHS यूनिवर्सिटी खुद उन सभी विकलांग स्टूडेंट्स को जयपुर बुलाती है और जयपुरिया हॉस्पिटल में आपका विकलांग सर्टिफिकेट चेक होता है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी सिर्फ आपको मैं ही बता सकता हूँ, बाकी अदर से आपको ये जानकारी नहीं मिलने वाली बच्चों, क्योंकि मैं RUHS से हूँ और मुझे पता हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस तरह से ज़रूरत होती है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, जब आपने RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था तब आपके पास एडमिट कार्ड में 2 कॉपियाँ होती है, एक वहाँ सेंटर में फाड़ के रख ली होगी, एक आपको दी होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोले हैं सर वो तो खो गई हमसे, खो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ से डाउनलोड करके उसको फोटो कॉपी में ले आना, भले ही उस पर एग्जामिनर के साइन हो रहे हों या ना हो रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि आप मुझे पता है कमेंट में ज़रूर पूछेंगे सर एडमिट कार्ड हम फोटो कॉपी निकलवा लें तो क्या उसमें हम साइन भी ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास एडमिट कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओरिजिनल और फोटो कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम लगेंगे। अब मेन बात करते हैं एफिडेविट पर, बहुत सारे यूट्यूबर ने व्यूज छापे हैं आपसे, पर आज के बाद एफिडेविट की समस्या ही खत्म कर दूंगा कि कौन कौन से एफिडेविट बनते हैं। टोटल एफिडेविट आपके 3 बनते हैं बच्चों, ये कुछ कॉलेज वाले इसको 50 रुपये का जारी कर मतलब बनवाते हैं, कुछ 100 रुपये का बनवाते हैं ना, तो वो आप देख लेना कि आपके कॉलेज लेवल पे 50 रुपये का बनवा रहे हैं 100 रुपये का बनवाना है। ये एफिडेविट आपको देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कब बनवाने हैं, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के वहाँ नोटिस बोर्ड पर आपको यहाँ पर एक पर्चा चिपका हुआ मिलेगा, उसमें सब कुछ ये डॉक्यूमेंट्स ये लिस्ट होगी। सबसे पहले आपको कुछ नहीं बनवाना है, जो भी बच्चे अभी चॉइस फिलिंग के बाद सोच रहे हैं कि कॉलेज आउट नहीं है उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, किसी काम के नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास पहले से ही होता है, विकलांग प्रमाण पत्र पहले से ही होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो अभी तो पहले से ही होते हैं आपके पास, बस ये एफिडेविट और बॉन्ड वाली सिस्टम है ना, ये आपको कॉलेज अलॉट होने पर बनवाने होते हैं, उससे पहले नहीं बनवाना होता। सबसे पहले 50 रुपये का एक सेल्फ कॉलेज डिक्लेरेशन फॉर्म बनता है, इसमें लिखा रहता है, मैं आपको हिंदी में भी बता दूँ कि मैं पूर्णतः इसमें 3-4 टर्म लिखे रहते हैं कि मैं कॉलेज में 75% या 80% अटेंडेंस दूंगा, हॉस्पिटल में 100% अटेंडेंस दूंगा, कॉलेज में अनुशासन के साथ रहूंगा, अनुशासनहीनता नहीं करूंगा, अगर XYZ अनुशासनहीनता करता हूं तो मुझ पर कॉलेज कार्रवाई करने का पूरा हक रखती है। ये होती है सेल्फ कॉलेज डिक्लेरेशन एफिडेविट जो 50 रुपये का बनता है। इसलिए कॉलेज में नेतागिरी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको आप पहले ही एक एफिडेविट दे सकते हैं, वो जब चाहे आपको सस्पेंड कर सकते हैं या फिर वहाँ से रेस्टिकेट कर सकते हैं। सेकंड है एंटी रैगिंग का, ये एंटी रैगिंग का होता है जिसमें अगर आपके साथ कोई रैगिंग होती है या फिर आपके रैगिंग लेते हो तो उसके लिए बनता है। उसके बाद है पेरेंट्स सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसमें पेरेंट्स आपको एफिडेविट्स बनवाते हैं, इसमें पेरेंट्स लिख देते हैं कि अगर हमारे बच्चे के साथ कोई भी अनुशासनहीनता होती है तो कॉलेज का पूरा हक है, वो इस चीज़ को अपने हक में लड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ें, ये 3 एफिडेविट्स हैं जो 50 रुपये या 100 रुपये का बनता है ना, 3 एफिडेविट्स बनाएंगे सिर्फ। उसके बाद है आपका बॉन्ड, बॉन्ड ये कब बनता है बच्चों, बॉन्ड आपका 11 नंबर का डॉक्यूमेंट्स है, बॉन्ड आपका 500 रुपये का बनेगा, जब आप कॉलेज छोड़ते हो किसी कारण, बस आपने ज्वाइनिंग कर ली, पहले आपने फीस जमा करा दी है तो आप कॉलेज छोड़ने पर आपको 500 रुपये का बॉन्ड बनवाना होता है। ये भी जब ही बनता है जब कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्योंकि इन सब में कॉलेज का नाम लिखा जाता है, तो ये तो जब भी लिखोगे आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उससे पहले अगर कोई यूट्यूबर बता रहा था कि अभी से बनवा लो तो वही वो आपके साथ खेल रहा था, क्योंकि आपको जब कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो आप पहले से कौन सा एफिडेविट और कौन सा बॉन्ड बनवा लोगे स्टूडेंट, इनमें सब में कॉलेज का नाम लिखा रहता है। तो 3 एफिडेविट, एक बॉन्ड 500 रुपये का, ये एक कहाँ से बनेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों, सुन लीजिए। ये सारे आपके जो एफिडेविट्स और बॉन्ड है या तो ई मित्र के स्टाम्प से बनवा जाते हैं या फिर आप जुडिशियल कोर्ट के द्वारा भी इनको बनवा सकते हैं, कोई भी वकील इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना देगा। जिन बच्चों को RUHS कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस मिलती है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं उनका ये डॉक्यूमेंट्स ई मित्र के द्वारा बनवा दूंगा, उनको कोर्ट वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन एफिडेविट्स और बॉन्ड को
कहीं से भी बनवा सकते हैं, कोर्ट के द्वारा बनवा सकते हैं, और आप अपने वकील से या फिर ई मित्र स्टाम्प वाले से बनवा सकते हैं। चलो, ये आपके एफिडेविट और बॉन्ड की समस्या मैंने ख़त्म कर दी। अब सबसे ज़्यादा व्यू छापने वाला कंटेंट है गैप सर्टिफिकेट, जिस पर बहुत बच्चों को कमेंट्स आता है, बच्चों को समझ नहीं आता। गैप सर्टिफिकेट एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हिंदी पढ़िए पहले। यदि 12th के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ना लेकर आपने कोई भी कोचिंग की हुई है, सॉरी मार्कर गिर गया। यदि 12th के बाद बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ना लेकर आपने कोई भी कोचिंग की हुई है या अन्य संस्थाओं में भाग लिया है, जैसे आपने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उसको बनवाना है। मान लो आपने 12th पास की 2022-23 सेशन में, ठीक है, मतलब इसी साल आपने 12th पास की है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं बनवाना है। इसमें लिखा है आगे कि 2023 में पास करने वालों को नहीं बनवाना है, है ना। और ये बनवाना किसका, मान लो किसी स्टूडेंट ने 2021 में, 2019 में या 2018 में 12th पास की है, तो आज 2023 में एक एग्जांपल के रूप में कोई बच्चा 2020 में पास कर रहा है और उसको आज 2023 में एडमिशन लेना है, तो उसने 3 साल का गैप ले लिया है ना, तो ये 3 साल का गैप सर्टिफिकेट बनेगा। तो जितने साल का आपने गैप लिया है उतने ईयर का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। इस साल 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं बनवाना होता, ये उन स्टूडेंट्स को बनवाना होता है जो 12th के पास बीच में जितना गैप लेते हैं उतना, फिर चाहे आप कोचिंग में थे, कॉलेज में थे, वो सारे आप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC। अब यहाँ पर TC को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यू बनता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर TC में कॉलेज की लगा दूं, कॉलेज की लगाना है तो गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, फिर चाहे स्कूल की लगाना है तब भी गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा। मैं जितना बताऊं, आप TC कौन सी भी लगवा सकते हैं, 12th स्कूल पास की लगवा सकते हैं और BSc नर्सिंग की भी लगवा सकते हैं, सॉरी BSc वगैरह जैसे कोर्सेज की भी लगवा सकते हैं। फिर आपको वो सब कुछ वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। अगर इन झंझट से बचना है तो 12th का सब कुछ होता ही है, उसको लगा दीजिए, यहाँ पर डुप्लीकेट भी लगा सकते हैं। चलो, उसके बाद है नेक्स्ट है मेडिकल सर्टिफिकेट। बच्चों, ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को बहुत परेशान करता है कि भैया ये मेडिकल सर्टिफिकेट हमको कब बनवाना है। बहुत सारे बच्चों ने अभी से बनवा लिया है, बिल्कुल नहीं बनवाना था, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अभी से बनवा के। मेडिकल सर्टिफिकेट को मेडिकल जूरिस्ट बनाता है, कोई आपका होम टाउन या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल नहीं बनाता। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का निर्देश कॉलेज खुद देता है, जो कॉलेज आपको अलॉट होता है उस कॉलेज का हॉस्पिटल ही आपको अलॉट होगा कि आपको इस हॉस्पिटल से बनवाना है, और उसमें आपको मेडिकल जूरिस्ट बैठता है, वो आपके कुछ टेस्ट करते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जब बनता है, जिसमें आपके आई का टेस्ट होता है, यूरिन की जांच होती है, एक्सरे वगैरह होता है, बाकी आपकी हाइट मेजर होती है, अगर आपको कोई भी बीमारी वगैरह है तो वो वहाँ पे मेंशन होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अच्छे से दिख रहा है, ये कॉलेज लेवल पे ही बनता है, कॉलेज जो अलॉट होता है उसी के हॉस्पिटल में बनता है ना। बाकी आपको रिपोर्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कह के आपकी हेल्प करवा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ़ोटो, आपको लगभग 10 फोटो लेके जाने हैं, जो आपने फॉर्म में भरे हुए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, उस तरह के 10 फोटो आपको अपने साथ ले जाने हैं। इन सभी की 3-3 फोटोकॉपी सेट साथ को ले जानी है, एक फाइल में लगा के ले जानी है। अब चलो, मैं आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से मेंशन कर दिया, कोई भी डाउट्स आ रहा है तो मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब मैं आपके फ़ोटो लगा देने वाला हूँ, एक एक वहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखता है ना। तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना है, सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना, क्योंकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी चैनल से मिलती है, जो आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल होने वाला है नर्सिंग के लिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।